और भाई लोग क्या हाल चाल है गाइस। यार एक सेकंड भाई, यहाँ पे ये रेड हल कमला और शिनचैन और टकलू अंदर भाई कैद कैसे हो गए हैं? किसी ने भाई इनको कैद कर लिया है। लेकिन एक सेकंड, पुक्की और चिंकी नहीं दिख रहे हैं यार, वो लोग कहाँ हैं? और ये मशीन किस चीज़ की लगी है भाई? और ये भाई कौन सा व्हीकल है भाई? यार इतनी सारी चीज़ें क्या क्या मैं देख रहा हूँ। अरे भाई पुक्की, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं ये मशीन सही कर रहा हूँ। मशीन सही कर रहे हो, लेकिन आखिर ये मशीन है किस चीज़ की भाई? ये मशीन है एविल लावा गॉड बनाने की। क्या कहा? एविल लावा गॉड बनाने के लिए? लेकिन भाई एविल लावा गॉड की क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है। लावा गॉड ने बोला है एविल लावा गॉड बनाने के लिए, तो मैं बस मशीन लेके आया और यहाँ पे तैयारी में लगा हूँ। थोड़ी देर में ये मशीन चालू हो जाएगी, उसके बाद लावा गॉड के और ढेर सारे क्लोन जो कि एविल गॉड रहेंगे वो बनना शुरू हो जाएंगे। ओह नो गाइस, यार अगर एविल लावा गॉड बन गया ना भाई, तो भाई सच बता रहा हूँ इस धरती पे भाई कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह कर देगा वो, 100% बता रहा हूँ मैं। यार किसी तरह से मुझे इस मशीन को चलने से रोकना पड़ेगा यार, कैसे मैं रोकूं कैसे रोकूं भाई? अगर मैंने रोका तो ये पुकिया मुझे मारने लगेगा। एक सेकंड भाई, यहाँ पे अरे यार ये चिंकी भी यहाँ पे लगी हुई है। चिंकी तुम क्या कर रही हो? मेरे आइस पापा ने कहा है एविल आइस गॉड बनाने के लिए, ताकि हम लोग इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकें। ये देखो भैया एक और नौटंकी, एविल लावा गॉड बनी रहा था, एविल आइस गॉड भी बनने लगा। अरे लेकिन क्यों यार तुम लोग एविल आइस गॉड एविल लावा गॉड बनाने के पीछे क्यों पड़े हो यार तुम लोग? रुक जाओ फ्रैंकलिन कलवे, मैं बताता हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे अत्याचार होने लगे हैं, जिसको देखो वही एक दूसरे को मारने के पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग इस दुनिया को ही खत्म कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी पिपहरी। अरे वो पिपहरी नहीं थी, वो बांसुरी थी। हाँ वही बांसुरी ही समझ लो। हम लोग अच्छे गॉड बन चुके हैं, इसीलिए हम लोग इस दुनिया को तबाह नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने अपने ही जैसे एकदम सेम टू सेम एविल लावा गॉड एविल आइस गॉड बनवाए हैं, और अब पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे हम लोग उन एविल लावा गॉड और एविल लावा गॉड की मदद से। अरे तुमने दो बार एविल लावा गॉड बोल दिया है। अरे मतलब यार हो गया, गलती हो जाती है, एक बार एविल लावा गॉड और एक बार एविल आइस गॉड। हाँ अब ठीक है यार, मैं तो कहती हूँ मेरे लिए भी एक गॉड बनवा दो यार, पिंकी गॉड बनवा दो यार थोड़ा सा। ठीक है एविल पिंकी गॉड भी बन जाएगा। यार भाई सब लोग बनवा रहे हो, मेरा भी बनवा दो यार, एक ठो एविल ब्लैक गॉड बनवा दो, मजा ही आ जाएगी। ठीक है हम चारों के एविल गॉड बनेंगे, और तैयार हो जाओ सब लोग, क्योंकि एविल गॉड निकलने वाला है, उसके बाद इस दुनिया में तबाही होगी तबाही। शिट यार गाइस, लावा गॉड का कहना है कि भाई दुनिया में सबके सब लोग बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे हैं, इसीलिए भाई ये एविल लावा गॉड और एविल आइस गॉड एविल पिंकी गॉड एविल ब्लैक गॉड बना रहा है। और भाई इसकी मदद यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, चिंकी और पुक्की। भाई यार अगर मैं इनको रोक दूँ तो भाई मैं रोक सकता हूँ भाई इन लोग को, एक एक कंटाप मार के यहीं पे लुटा दूँ, उसके बाद तो भाई ये लोग रुक ही जाएंगे, ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ गाइस यही सही रहेगा। चलो गाइस चलो इस पुक्की को पहले मारते हैं। पुकिया आज तेरा खेल खत्म, तू कभी भी एविल लावा गॉड नहीं बना पाएगा। अरे फ्रैंकलिन उन दोनों लोगों को रोकने की गलती भी मत करना, वरना आज तुम्हारी लाश यहाँ से जाएगी। अच्छा भाई ऐसा कुछ है क्या? यार गाइस यार इन लोगों ने इनको भी कैद कर दिया है। यार तुम लोग ये मशीन रोकने की कोशिश नहीं किए थे क्या यार? अरे हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे मार मार के जला दिया था, उसके बाद हमें यहाँ पिंजड़े में बंद कर दिया। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरी तो टांगी तोड़ दी थी, मैं 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती था। मेरा तो बाल पकड़ के गोल 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 घुमा दिया था, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, उसके बाद मुझे इस पिंजरे में लाके कैद कर दिया है। गाइस यार इन लोगों ने भाई उस मशीन को रोकने की कोशिश की, इसकी वजह से भाई ये लोग आज यहाँ पे पिंजरे में कैद हैं भाई, वरना आज ये लोग भी कैद होते। यार अगर मैं भी इसको रोकने की कोशिश करूंगा तो 100% भाई मैं भी इस पिंजरे में कैद हो जाऊंगा। इसीलिए गाइस जो हो रहा है होने देते हैं, रोकने की कोशिश नहीं करते भाई, वरना गड़बड़ ही हो जाएगी। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, रोकने की कोशिश भी मत करना वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी भैया, समझ लेना। यार गाइस कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा लेकिन इन लोगों को रोकने के लिए, वरना भाई कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। एक सेकंड गाइस, यहाँ पे ये वाली जो व्हीकल है, देख लो भाई आगे इसके कितना कांटा लगा है, एक बार तुम लोग देखो तो सही कितना ज्यादा कांटा लगा है। अगर मैं तेज से लेके आऊँ इसको, एक सेकंड भाई इसको मैं चला के इसके तेज से भिड़ा देता हूँ इसमें, हो सकता है उसके बाद भाई सब कुछ खत्म हो जाए। ऑल राइट गाइस अभी इसको इसमें भिड़ा दूंगा, उसके बाद तो भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेट्स गो गाइस। अरे फ्रैंकलिन ये तुम बहुत ज्यादा बुरा करने जा रहे हो, बहुत ज्यादा पछताओगे, समझ लेना फ्रैंकलिन के बच्चे। यार मैं कुछ भी नहीं पछताऊंगा, चलो गाइस यहाँ से इस पे लगा देते हैं, दौड़ से मारेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ओ भाई
इतना तेज मैंने मारा फिर भी कुछ नहीं हुआ, इतना ज़्यादा कांटा लगा इसकी आगे देख रहे हो फिर भी यार इस मशीन को कुछ नहीं हुआ यार। ले बेटा आज इस मशीन को मैं तोड़ के रहूँगा चाहे जैसे। अरे यार ये तो मशीन टूट ही नहीं रही गाइस, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार। मुझे लगता है इसको बुलेट प्रूफ से बनाया गया है, बुलेट प्रूफ मटेरियल से बनाया गया है या फिर कुछ ना कुछ खतरनाक मटेरियल होगा उसी से बनाया गया है, तभी भाई इसका कुछ हो ही नहीं रहा है। यार मैं क्या करूँ, मुझे बस अब रोकना होगा इन लोगों को किसी ना किसी तरीके से, बट मैं रोकूँ कैसे यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गाइस यहाँ पे कुछ तार वगैरह इसको खींच दूँ क्या, लेकिन यार इसको खींचने से कुछ भी नहीं होगा यार। पुक्की भाई रुक जाओ यार, मत बनाओ। मुझे रोकने की कोशिश किया कर, मैं भी लावा गॉड को बता दूंगा, वो तुम्हें जला के खाक कर देगा। यार गाइस ये तो अलग ही धुन में है यार, कह रहा जला के खाक करवा दूंगा तुम्हें। यार कैसे रुकूं। ये देखो एक लावा गॉड तो बन चुका है। क्या कहा, एक लावा गॉड बन चुका है, लेकिन है कहाँ भाई? ये देखो गाइस एक लावा गॉड इन लोगों ने बना लिया है, और भाई ये ओ माय गॉड। गाइस यार ये देखो गाइस एक एविल लावा गॉड बन चुका है गाइस। यार अब तो भाई दुनिया खत्म समझ लो। किसने बनाया मुझे और क्यों बनाया है, तुम लोग को पता नहीं है क्या मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ? एक बार मैं पूरी दुनिया उड़ा सकता हूँ, तो क्यों तुम लोगों ने मुझे बुलाया है? तुम्हें इस दुनिया से प्यार नहीं है क्या? अरे पहले हमें इस दुनिया से बहुत प्यार था एविल लावा गॉड जी, लेकिन अब हमें इस दुनिया से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तो आप इस दुनिया का खात्मा कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, पूरी दुनिया दगा दीजिए। जैसा तुम कहो बेटे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पावर्स की कमी है, इसीलिए जल्दी से आइस एविल गॉड को बनाओ, पिंकी एविल गॉड को बनाओ और ब्लैक एविल गॉड को बनाओ, उसके बाद हम सब मिलके इस दुनिया का खात्मा करेंगे। ओ भाई साहब चलो भाई कुछ देर तो कम से कम हम लोग सेफ हैं। अभी भाई ये कह रहा है इसके पास पावर्स की कमी है, इसलिए अभी दुनिया खत्म नहीं हो सकती है। और यहाँ पे पुक्की भाई जुटा हुआ है। यार पुक्की ने तो अपना काम कर दिया, अब ये चिंकी जो है भाई एविल आइस गॉड को बनाने जा रही है। यार यार कहीं अगर सक्सेसफुल हो गई तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। एविल आइस गॉड मत बनाओ पिंकी, मत बनाओ प्लीज मत बनाओ। अरे मैं तो बनाऊंगी, मेरे पापा ने बोला है एविल आइस गॉड बनाने को, मैं तो अपने पापा का हुक्म मानूंगी, जो पापा कहेंगे वो मैं करूंगी। अरे यार तुम समझती क्यों नहीं यार, तुम भी इस दुनिया की ही हो, तो अगर ये दुनिया खत्म होती है तो तुम भी तो खत्म हो जाओगी भाई, तुमको भी तो मरना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो एविल आइस गॉड को मत बनाओ भाई, ये मशीन मत खराब मतलब मत सही करो। अगर ये मशीन चल गई एक बार तो भाई एक ही बार में सारे के सारे गॉड निकल आएंगे, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। प्लीज मत बनाओ। अभी अपने आइस पापा से बता दूंगी, बस मार खा जाओगे, इसीलिए भलाई इसी में है कि निकल लो यहाँ से, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, समझे? चलो निकलो, फुट लो। अरे यार गाइस ये चिंकी मान ही नहीं रही यार, मैं क्या करूँ यार, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कैसे रोकूं भाई। इससे भी मैंने टक्कर मारी इसको, बट यार इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, इतने मोटे मोटे लोहे लगे हैं भाई, इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा। फिलहाल गाइस यार अब थोड़ा वेट करते हैं। यार तुम लोग देख रहे हो ना भाई, यार हम लोग के मरने का दिन आ गया यार, और हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। मो चुकी कसम ऐसा नहीं है, हम लोगों ने ट्राई बहुत किया लेकिन हम लोगों को अंदर डाल दिया गया, अब तुम ही बाहर हो, तुम ही कुछ ना कुछ कर सकते हो और हमारी दुनिया को बचा सकते हो। यार मैं क्या करूं यार, कुछ तो यार उपाय बताओ यार, कुछ तो बताओ यार, मैं कैसे इस दुनिया को बचाऊं यार, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर भाई यहाँ पे आइस गॉड आ गया तब भाई समझ लो इनकी पावर डबल हो जाएगी, उसके बाद पिंकी गॉड बाकी रहेगी, पिंकी गॉड नहीं मतलब पिंकी एविल गॉड बाकी रहेगी, उसके बाद ये ब्लैक एविल गॉड बाकी रहेगा भाई, उसके बाद तो भाई दुनिया ख़त्म। इतने में ही भाई इतनी हालत ख़राब हो गई मेरी भाई, आगे का क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाह आइस गॉड भी बन गए। क्या कहा, आइस गॉड बन गए? कहाँ है भाई साहब, आइस गॉड भी तैयार हो गया भाई। ओ शिट यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। भाई साहब ये देखो गाइस, आइस गॉड जो कि एविल आइस गॉड है ये भी बन चुका है और ये खड़ा हो गया भाई। ओ माय गॉड, और भाई साहब ये थोड़ा तिरछा था इसीलिए अभी सीधा हो गया है। ओ भाई अब तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। मुझे क्यों बुलाया इस दुनिया में, पूरी दुनिया जमानी है क्या?
पूरी तरफ बर्फ ही बर्फ करनी है क्या? क्यों बुलाया मुझे? जल्दी बताओ मुझे क्यों बुलाया? इस लावा गॉड से टक्कर लेनी है क्या? लावा गॉड तुझे मारना है क्या? अरे नहीं नहीं, हम लोग को लड़ाई नहीं करनी है, हम लोग को आपस में एक होना है और इस पूरी दुनिया को खत्म करना है। क्या कहा? इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए मुझे बुलाया है? हाँ हाँ, हम लोग को इस पूरी दुनिया को खत्म करना है। हाँ तुमने सही कहा इस गॉड भाई, हम लोगों ने तुम्हें बुलाया है, मशीन से बनाया है ताकि तुम इस पूरी दुनिया को खत्म कर सको। तुम भी तो आइस गॉड ही हो, तो तुम क्यों नहीं खत्म कर दिए? अरे आइस भाई, हम लोगों ने कसम खाई थी कि हम लोग इस दुनिया के साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने इस दुनिया को खत्म नहीं किया, वरना कब का हम लोग इस दुनिया को खत्म करके इसकी चटनी बना देते। अच्छा तो ये बात है, ठीक है फिर इस दुनिया को खत्म करने का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। अरे रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ भैया, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले मेरा एविल पिंकी गॉड को तो आ जाने दो, उसके बाद जो मन करेगा करना। हाँ पिंकी गॉड, तुमने सही कहा, पिंकी एविल गॉड को आ जाने दो, उसके बाद जो मन करेगा करना। हाँ जल्दी से बुलाओ पिंकी गॉड को, पिंकी गॉड जल्दी आ जाओ। अरे पुक्की जल्दी से बनाओ पिंकी गॉड को, मशीन खराब हो गई है क्या? जल्दी से बनाओ जल्दी से। ओ भाई साहब, यहाँ पे आइस एविल गॉड भी आ चुका है, अभी ये लोग तैयारी कर रहे हैं भाई पिंकी एविल गॉड को लाने की। ओ भाई यार, पिंकी एविल गॉड आने वाली गाइस, यार पिंकी एविल गॉड आई और इधर लड़ाई शुरू। भाई भाई यार क्या करूं मैं, क्या करूं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा भाई, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कैसे होगा क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है यार। कुछ ना कुछ तो उपाय ज़रूर होगा यार, क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ इस दुनिया को बचाने के लिए यार। क्या कर रहे हो यार पुक्की भाई, रुक जाओ यार, प्लीज रुक जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, बस पिंकी गॉड को लाना है और ब्लैक गॉड को, उसके बाद तो इस दुनिया का खात्मा। यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यार, पिंकी एविल गॉड आई अगर, उसके पास अगर ये ब्लैक एविल गॉड आया भाई, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तुम लोग यकीन मारो भाई, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी यार। शिट यार, मैं क्या देख रहा हूँ भाई, सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा यार, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रही है क्या ही बताऊँ। अगर मैंने भाई कुछ भी करने की कोशिश करी तो भाई ये लोग मुझे उस जाल में बंद कर देंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल मैं इधर उधर घूम के कुछ आइडियाज़ ले रहा हूँ, दुनिया को बचा कैसे सकते हैं। और भाई यहाँ पे ये नीचे आ गया मैं। एविल गॉड भी आ गई। क्या कहा? पिंकी एविल गॉड भी आ गई भाई। ओ माय गॉड गाइस, ये क्या हो गया यार? अरे क्यों मुझे बुलाया, भंडारा चल रहा है क्या यहाँ पे? जल्दी बताओ, जल्दी पूरी सब्जी खाना है मुझे। अरे हम लोग भंडारा खाने के लिए नहीं बुलाए हैं तुम्हें, यहाँ पे हम लोग को पूरी दुनिया खत्म करनी है। क्या यार, आलतू फालतू काम के लिए बुला लिए, मुझे तो लगा था भंडारा चल रहा है, यहाँ पे कुछ पूरी सब्जी खाने वाने को मिलेगी, तुम तो यार यहाँ दुनिया खत्म करने की बात कर रहे हो। अरे यार ये पिंकी गॉड मेरी बेइज्जती करवा रही है यार, तुम भंडारा खाने लिए कभी मुझसे मिलो, इतना भंडारा खिलाऊंगी कि तुम भंडारा खाते थक जाओगी। अरे बकवास करना बंद करो, दुनिया को खत्म करने की तैयारी करो। हाँ सारा सामान इकट्ठा करो, जो भी चाहिए सब कुछ लेके आओ और दुनिया को खत्म करो। हाँ दुनिया खत्म होने वाली है भैया, मजा आने वाली है भैया। गाइस यार यहाँ पे आइस गॉड आ चुका है, लावा गॉड आ चुका है, पिंकी गॉड आ चुका है और अब बस सिर्फ एक गॉड बाकी है जिसका नाम है ब्लैक गॉड भाई। ब्लैक गॉड भाई ये चिंकी बना रही है। गाइस यार अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब मैं या तो इस चिंकी को मार दूंगा ताकि भाई ब्लैक गॉड ना बने और मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाए, या फिर मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा भाई, कुछ ना कुछ तो करूँगा। पिंकी गॉड अब तुम्हारा खेल ख़त्म। पिंकी गॉड नहीं भाई, इसका नाम चिंकी है, चिंकी तुम्हारा खेल ख़त्म। चिंकी अब बस करो, छोड़ दो वरना मार खा जाओगे, अभी एक गोली मारूंगा। आइस गॉड तुम अपनी बेटी को समझा लो, कह दो कि बनाए ना बस, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। पिंक चिंकी जल्दी हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ, बनाना बंद करो। चिंकी जल्दी अभी मैं किनारे गोली मार रहा, अभी तुम्हारे ऊपर मार दूंगा। अरे मुझे डराओ मत, समझे, मुझे मारोगे ही नहीं, तुम मुझे पता है। अच्छा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और क्यों नहीं मारूंगा ये भी बता दो मुझे। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारे जो सारे दोस्त है ना वहाँ पे जो पिंजरे में कैद है, एक ही बार में सबकी बोलती बंद हो जाएगी। बोलती बंद हो जाएगी मतलब? कुछ समझा नहीं मैं। अरे मेरे आइस पापा तुम्हारे सारे दोस्तों को मार डालेंगे, जला डालेंगे, खत्म कर डालेंगे। क्या कहा भाई? ओ शिट यार,
यार क्या करूँ भाई, अब तुम लोग बताओ। मैं तुम लोग की कुर्बानी दे सकता हूँ, मतलब अगर मैं तुम लोग की कुर्बानी दे दूँ उसके बाद मैं पूरी दुनिया को बचा सकता हूँ। वो चुकी कसम, नहीं भैया नहीं, हमारी कुर्बानी मत दो यार, अपनी कुर्बानी दो। हमारी कुर्बानी क्यों दोगे? बहुत चालू हो तुम, अपनी कुर्बानी नहीं दे रहे, हमारी कुर्बानी लेने आए, भाग यहाँ से। अरे यार फ्रेंकी भैया, कुछ ऐसा सोचो जिससे हम सबकी जान बच जाए और ये दुनिया भी न खत्म हो। अरे यार तुम लोग तो यार मेला ततला फोलवाते रहो दे। अरे यार मैं क्या करूँ यार, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा यार। अगर मैंने इन लोग को रोकने की कोशिश भी कर दी, अगर मैं सोच रहा था भाई इसको पिंक चिंकिया को मैं मार दूंगा तो ये रुक जाएगी भाई, लेकिन नहीं भाई, अगर मैंने इसको मारा तो यहाँ पे ये मेरे सारे दोस्त लोग मारे जाएंगे। यार ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी से सारा गेम खेल रहे हैं यार, बहुत दिक्कत है यार, क्या करूं मैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा भाई, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो भैया, ब्लैक एविल गॉड भी बन चुका है। क्या कहा? ब्लैक एविल गॉड भी बन चुका है भाई, हो चुका, अब पूरी दुनिया खत्म होने का टाइम आ चुका है। अरे यहाँ पे इतने सारे गॉड लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कोई काम है क्या? क्यों बुलाया गया है हम सबको? अरे डेविल ब्लैक गॉड जी, आपको यहाँ पे बहुत ही खास काम के लिए बुलाया गया है। कैसा खास काम, मुझे भी तो बताओ। अरे हम सब मिलकर यहाँ पे इस पूरी दुनिया को खत्म करेंगे, क्योंकि इस दुनिया के लोग बहुत बुरे हो चुके हैं। अच्छा, इस काम के लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है, आज खत्म करना है या कल खत्म करना है, जल्दी बताओ। मैं तो कहूँगा अभी खत्म कर दीजिए, आज कल पे छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं 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 यार, आखिरी बार इस दुनिया को हम लोग देखने जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, इस दुनिया में जब सब लोग रात होती है तो सो जाते हैं, तो क्यों ना जब वो लोग सो जाएं तब हम लोग इस दुनिया को खत्म करें, ताकि उन लोग को भी ज्यादा दर्द ना हो और वो लोग मर भी जाएं और पूरी दुनिया भी खत्म हो जाए। हाँ पिंकी गॉड, ये तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, इन लोग को दर्द भी नहीं होगा, पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। हाँ ये बात भी ठीक कह रहे हो तुम लोग, ठीक है आज रात में 12 बजे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? ठीक है, हम सारे गॉड लोग अपनी अपनी पावर एक दूसरे से बांटेंगे और आगे बढ़ाएंगे, ऐसे में हम लोग भाई अपनी पावर बढ़ा बढ़ा के इस पूरी दुनिया पे अटैक करेंगे। ओ नो गाइस, यार यहाँ पे ये सारे गॉड आ चुके हैं और सब लोग मिल चुके हैं, और आज रात 12 बजे गाइस जब सब लोग सो जाएंगे तब ये लोग पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनका मानना ऐसा है कि जब सब लोग सोते हैं तब अगर उन्हें मारो तो उन लोग को दर्द नहीं होता है। और गाइस ऐसा सही भी है, सोते वक्त अगर कोई मर जाता है तो शायद ही उसे दर्द होता होगा। फिलहाल गाइस अभी हमारे पास आज रात 12 बजे तक का टाइम है, और आज रात 12 बजे तक के टाइम में हम लोग भाई किस तरह से इस दुनिया को बचा सकते हैं, मुझे बस ये सोचना होगा यार, कुछ ना कुछ उपाय तो ज़रूर होगा। पहले मैं एक गन अंदर रखता हूँ भाई, वरना ये लोग देख लिए कि मैं इन लोग को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा तब तो भाई और भी दिक्कत हो जाएगी। यार कुछ ना कुछ तो ऑप्शन ज़रूर होगा यार। यार गाइस एक मिनट, क्यों ना हम लोग भाई ब्लैक बॉक्स गॉड को बुलाएं भाई, अब वही हमारी मदद कर सकता है। गाइस अगर तुम लोग भी चाहते हो कि ब्लैक बॉक्स गॉड को बुलाया जाए तो जल्दी से ब्लैक बॉक्स गॉड कमेंट कर दो भाई, क्योंकि अब सिर्फ वही एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, वरना उसके अलावा कोई इंसान नहीं है जो हमारी मदद करे, वो भी वो इंसान नहीं भाई, वो भी गॉड है, काफ़ी बड़ा सा है, उसको भाई हम लोगों ने मिल के बनाया था, उसमें अंदर बहुत ज़्यादा पावर है भाई, इन सारे गॉड की छुट्टी कर सकता वो अकेला ही। लेकिन गाइस अगर तुम लोग भी मेरे साथ होते तो क्या बात होती भाई, इसको मैं तोड़ के देखता हूँ टूटता है क्या। टूट जा भाई, टूट जा भाई, टूट जा, टूट जा यार, एक बार टूट जाता मैं सबको निकाल लेता इसमें से, बट यार गाइस ये टूट ही नहीं रहा है। अरे ओ फ्रैंकलिन, जितना जीना है आज 12 बजे रात तक जी ले, क्योंकि आज तेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी और तू मारा भी जाएगा, आज तेरा आखिरी दिन है। हाँ अपने सारे रिश्तेदारों को बता दो, कोई अच्छा काम हो, कोई निपटाना हो, कुछ काम वाम, कुछ पार्टी वार्टी करनी हो, बर्थडे वड्डे मनाना हो तो 12 बजे से पहले मना ले, वरना फिर आज तो 12 बजे खेल खत्म। यार गाइस मैं क्या ही बताऊं यार तुम लोग को, यार पता नहीं क्यों तुम लोग, यार पता नहीं क्या हो गया यार, यार लेकिन बात क्या हुई थी ये तो बताओ ना, मतलब क्यों तुम लोग अचानक से ये दुनिया को ख़त्म करने लगे भाई? यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं यार, मैं बस आराम से भाई आ रहा था तो पता लग रहा है कि यहाँ पे तुम लोगों ने कैद कर लिया है इन लोग को, और भाई यहाँ पे दुनिया ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मशीन से ये नए नए लावा गॉड बनाए जा रहे हैं। एक सेकंड भाई, यहाँ पे ये रुक नहीं रखी भाई, और नहीं बनाना भाई, बस करो बस करो। अरे नहीं नहीं, मैं तो और ढेर सारी लावा गॉड बनाऊंगा, हाँ, एविल लावा गॉड की पावर और बढ़ाऊंगा, ताकि इस दुनिया का एक एक कड़क, एक एक बूंद, एक एक पानी, सब कुछ खत्म हो जाए। अरे यार भैया
क्या चाहते हो यार? ये तो यार गाइस समझ ही नहीं आ रहा है क्या चाहता है। इस दुनिया को दोबारा रीजनरेट भी करना होता है भाई। अगर रीजनरेट हो जाएगी दुनिया तो ठीक है यार, वरना यार अगर तुम ऐसे करोगे ढेर सारे लावा गॉड से पूरी दुनिया खत्म करवा दोगे तब तो भाई कभी ये दुनिया रीजनरेट भी नहीं हो पाएगी भाई। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता ये दुनिया रीजनरेट हो, इसीलिए पूरी खत्म कर दो इस दुनिया को। अभी मैं और ढेर सारे लावा गॉड को बुलाता हूँ। यार नहीं पुक्की, ऐसा बिल्कुल मत करो यार, बिल्कुल मत करो यार, प्लीज ऐसा मत करो। अरे तुम करने की बात कर रहे हो, मैंने तो कर भी दिया। क्या कहा कर दिया? एक सेकंड भाई, यहाँ पे एक दो पिंकी गॉड और इधर एक पिंकी गॉड। ओ भाई यार, दो दो आइस गॉड भाई, दो दो ब्लैक गॉड, तीन तीन ब्लैक गॉड। ओ माय गॉड गाइस, अब तो भाई कोई चारा ही नहीं है बचाने को इस दुनिया का भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो भाई 12 बजे 101% खत्म होने वाली है दुनिया। हम सब लोग मिलके इस पूरी दुनिया में आतंक मचा देंगे। इस पूरी दुनिया ने हमें बहुत दुख दिया है, आज हमारी बारी है इस दुनिया को दुख देने की। सब कुछ खत्म कर देंगे, सब कुछ पूरा कण कण खत्म कर देंगे। हाँ पूरा सब कुछ खत्म खत्म खत्म। यार गाइस ये सारे के सारे गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं गाइस। यार अब कैसे दुनिया को बचा सकते हैं यार? यार तुम लोगों ने कमेंट नहीं किया ना एविल गॉड बॉक्स को बुलाने के लिए। यार ये सारे गॉड तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यार। यार गाइस तुम लोगों ने कमेंट किया होता तो पक्का अब तक वो गॉड बॉक्स आ जाता, लेकिन यार तुम लोगों ने कमेंट ही नहीं किया कि गॉड बॉक्स, इसीलिए भाई अब तक वो आया नहीं, वरना भाई आ जाता अब तक। मूंछों की कसम ये लोग कमेंट नहीं करेंगे फ्रैंकलिन, तुम ही कुछ करो जाके। यार गॉड बॉक्स को बुलाने के लिए भाई हम लोग को तपस्या करनी पड़ती है बहुत ही ऊपर जाके, जो दुनिया का सबसे ऊपर जगह होगी वहाँ पे जाके हम लोग को थोड़ा सा पूजा पाठ करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो आता है, ऐसे नहीं आता है। मूंछों की कसम तो जाके करो ना, रुक के हूँ। यार मैं कहाँ जाऊँ यार, सबसे ऊँची जगह जो है वह है माउंट चिलियार्ड के ऊपर, वहीं चलना होगा गाइज अब हमें। चलो गाइज जल्दी से चलते हैं माउंट चिलियार्ड के ऊपर। यार अब तक इन लोगों ने कमेंट कर दिया होता ब्लैक बॉक्स गॉड तो अब तक वो आ जाता, लेकिन आया ही नहीं क्योंकि इन लोगों ने कमेंट ही नहीं किया। यार गाइज यार क्या ही बताऊँ मैं। चलो यार गाइज इन लोग के भरोसे रहेंगे तब तो भाई हम लोग पूरी दुनिया खत्म ही करवा देंगे। लेकिन भाई यार ये गाड़ी, एक सेकंड भाई, ओ माय गॉड गाइज यार तुम लोगों ने कमेंट किया भाई, मुझे लगा था भाई तुम लोगों ने कमेंट ही नहीं किया। भाई साहब यहाँ पे ब्लैक बॉक्स गॉड आ चुका है भाई। यार मुझे तो लगा था भाई तुम लोगों ने सच में कमेंट नहीं किया यार, वही तो मैं सोचू यार तुम लोग हरदम कमेंट करते हो लेकिन इस बार कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। भाई यार थैंक यू सो मच यार। यार गाइज यार यहाँ पे देखो कमेंट करने पे, यहाँ पे देखो ये ब्लैक बॉक्स गॉड आ चुका है और सामने ये कुछ गोल गोल चीज भी लेके आया है, पता नहीं क्या चीज़ है भाई, पता नहीं क्या चीज़ है ये। एक सेकंड भाई क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। अरे फ्रैंकलिन तुम चिंता मत करो, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, उसी से मैं इन सारे गॉड का खात्मा करने वाला हूँ। ओ भाई अब समझा, कह रहा है ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है भाई, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे भाई ये इन ब्लैक गॉड और बॉक्स गॉड को, मतलब इन सारे गॉड को जो भी एविल गॉड आए हैं उन सबका खात्मा करेगा। भाई देखने में कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई, जब ये गोल गोल घूमता होगा तब तो और ज्यादा खतरनाक लगता होगा। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये गोल गोल घूमता है, उसके बाद किसी के भी टकले पे जाएगा अगर तो उनका टकला ब्लास्ट हो जाता है। क्या कहा? वाओ यार क्या ही गजब का है भाई। गाइस ये गोल गोल घूम के अगर किसी के भी टकले पे जाएगा तो उसका टकला ही ब्लास्ट हो जाएगा। अब मैं समझा पूरी स्ट्रेटजी समझ गया भाई। गोल गोल घुमाएगा ब्लैक गॉड इसे और इसको टकले पे रखेगा, उसके बाद इन सब का टकला ब्लास्ट हो जाएगा। गाइस यार अब भाई कॉन्फिडेंस आ गया लावा गॉड बेटे, अब तेरा खेल खत्म। तूने ही बोला था ना कि यहाँ पे एविल गॉड को पैदा करो, एविल गॉड को बनाओ, अब तो भाई खेल खत्म, तुम सबका खेल खत्म समझ लो। अरे फ्रैंकलिन एक बार देखो तो, यहाँ पे हम इतने सारे लोग हैं, इतने सारे खतरनाक गॉड हैं और तुम एक फुसड्डी से चिरकुट से एकदम फालतू से ब्लैक बॉक्स गॉड को लेके आए हो और सोच रहे हो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम लोग अपनी पावर मारेंगे ना तो इस ब्लैक गॉड पता नहीं क्या नाम है इसका, ब्लैक बॉक्स गॉड की हालत ख़राब हो जाएगी। अरे शायद तुम लोगों ने मेरी पावर का अंदाज़ा नहीं किया है, मेरी पावर बहुत ज़्यादा है, एक बार मारूंगा ना तो तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। ये कौन पागल सा आ गया है, इस
इसको भगाओ भाई, ये तो हमारा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है, पूरी दुनिया खत्म होने से ये बचाने आया है क्या? तुम लोग भाई इसके आगे कुछ हो ही नहीं, एक चुटकी बजाएगा ना तुम लोग की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ऐसी पुंगी बजाएगा तुम लोग की भाग जाओगे जहाँ से आए हो, इसी मशीन में घुस जाओगे इसी मशीन से आए हो। हाँ नहीं तो ये भाई यहाँ पे ब्लैक बॉक्स गॉड आ गया अपना साथी भाई। अभी भाई टाइम देखते हैं कितना बज रहा है, भाई साहब अभी 11 बज रहे हैं सुबह के, ठीक है गाइस 11 बज रहा है, बस 12 बजे आज इन लोग दुनिया ख़त्म करने वाले हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो क्यों ना भाई इन लोग से थोड़े मज़े लिए जाए। ब्लैक गॉड बॉक्स जी जल्दी से इन लोग को मारना शुरू करिए, एक एक मारिए, तब तक 12 बजे तक तो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। जैसा तुम कहो, अभी एक एक को मारना शुरू करता हूँ। सबसे पहले किसको मारूँ तुम बताओ? सबसे पहले आप ना मारिए, सबसे पहले मैं ही मार देता हूँ। सबसे पहले इन लोग को भाई डिस्टर्ब करके हटाते हैं, वरना ये लोग और ढेर सारे बना देंगे तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बस करो चिंकी, एक सेकंड भाई, अभी भी बना ही रही है। ये देख रहे हो गाइस, अभी भी ये बना ही सुधरेंगी नहीं। अरे तुम बहुत ज़्यादा पागल हो, मुझे मारो मत, मारोगे अगर तो अभी और ढेर सारे बनाऊंगी, और ढेर सारे। यार गाइज अभी तक ये बना ही रही है, रुक नहीं रही है, इतनी मैंने इसको मारा। चलो गाइज ये तो रुकने वाली नहीं मुझे लग रहा है, एक बार ये पुकिया को मार के देखते हैं। ए पुकिया बस कर, बहुत बना लिया तूने, चल अब बस कर। चलो गाइज ये पुकिया रुक गया है, ऑल राइट, कम से कम पुकिया तो रुका भाई, कोई ना कोई तो कम से कम रुका भाई बनाने से, वरना भाई अभी तो यहाँ पे और ढेर सारे गॉड हो जाते तो और बड़ी दिक्कत हो जाती। चलो गाइज अब भी यहाँ पे ब्लैक बॉक्स गॉड जी जल्दी से इन लोग को मारना शुरू करिए। ठीक है, मैंने टकले के ऊपर रख दिया है। टकले के ऊपर रख दिया, लेकिन किसके टकले के ऊपर रखा है भाई? मुझे तो किसी के टकले के ऊपर दिख नहीं रहा गाइज, किसके टकले ऊपर है, किसके टकले के ऊपर? अरे हटाओ हटाओ मेरे टकले के ऊपर से, हटाओ 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 मेरे टकले के ऊपर से। अरे इसको हटाओ भैया हटाओ, पहले मैं नहीं मरना चाहता, प्लीज हटाओ, हटा लो इसको मेरे टकले के ऊपर से, मैं मरना नहीं चाहता। अरे यार तुम इतना डर क्यों रहे हो, इतना छोटा सा ये कैप्सूल है, तुमसे इतना छोटा भुटुल्लू सा है, इसका क्या ही मतलब भाई, इतना छोटा धमाका होगा तुमको पता भी नहीं लगेगा। ये लोग जितना बोलते हैं उतना करते नहीं है, समझे ना, ये लोग बस खाली फुसड्डी लोग हैं, आराम करो तुम खाली, बस तुमको कुछ नहीं होगा। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मतलब ये फुसड्डी बॉम है। मुझे तो लगा था बहुत अच्छा बॉम होगा, लेकिन नहीं भाई ये फुसड्डी बॉम है। अच्छा तुम लोग को वो फुसड्डी लगता है, अभी दिखाता हूँ उसका कमाल। नहीं अरे तुमने तो बोला था फुसड्डी है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। प्लीज बुझाओ इसे, प्लीज बुझा दो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुंडी में मेरे। बुझाओ इसे। ओ भाई साहब यहाँ पे गाइस, यार ये देखो गाइस, उसको मार भी दिया और गोल गुलैया भी घुमा दिया भाई। ओ भाई इसका खोपड़ी भी फोड़ दिया और इसको गोल गुलैया भी घुमा दिया, ये होती है पावर भाई, ब्लैक गॉड भाई, थैंक यू सो मच। एक सेकंड भाई, पिंकी गॉड, एविल पिंकी गॉड की भी खोपड़ी दगा दिया भाई इस ब्लैक गॉड ने। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो गाइस, इधर ये लावा एविल गॉड गोल गोल घूम रहा है, इसकी खोपड़ी दग चुकी है और ये मर चुका है, और इधर पिंकी गॉड का भी नंबर लग चुका है गाइस। अरे यार मैं तो यहाँ पे भंडारा खाने आई थी यार, क्यों मार दिया मुझे, मैं तो भंडारा खाने आई थी, मुझे भंडारा भी नहीं मिला और मेरी तिरही भी हो गई है। मत मारो मुझे, मत मारो। अरे मैंने तो सोचा था ये बहुत ज्यादा कमजोर होगा, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अरे यार चलो निकल लेते हैं यहाँ से सब लोग। अरे नहीं नहीं, हम लोग इतने सारे हैं, इस अकेले से डर के थोड़ी भागेंगे, हम लोग इसका डट के सामना करेंगे, मारेंगे इसको हम लोग। ओ भाई साहब ये देखो गाइस, पिंकी गॉड जो एविल पिंकी गॉड थी वो भी मर चुकी है और गोल गोल घूम रही है भाई। ओ भाई साहब और कौन मरा भाई? अरे यार बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने यहाँ आके, मुझे नहीं पता था ये ब्लैक गॉड इतना ज्यादा, ब्लैक बॉक्स गॉड इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना छोटा सा है लेकिन इतनी पावर लेके चलता है। ओ माय गॉड बहुत ज्यादा खतरनाक, ओ माय गॉड। मैं तो कहूंगा तुम सब लोग भाग जाओ वरना आज तुम सब लोग मारे जाओगे, भाग जाओ, अभी भी वक्त है, भाग जाओ तुम सब लोग। नहीं कोई भी कहीं नहीं जाएगा, तुम सबको हम लोगों ने बनाया है, तुम लोग हमारा हुक्म मानोगे, तुम
लोग डट के सामना करोगे, डट के सामना, जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ, जिंदा रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे। लावा गॉड जी, हमारी टीम हल्की पड़ रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों ने कसम खाई है कि हम लोग हरदम अच्छा काम करेंगे, हम लोग कभी बुरा नहीं कर सकते। गाइस यार, यहाँ पे दो लोगों का तो सफाया हो गया है। अब भाई एक सेकंड, भाई यहाँ पे ये कमला बाहर निकल चुकी है। ओ माय गॉड गाइस, कमला बाहर निकल चुकी है। गाइस यार, कमला, मुझे लग रहा गाइस इस ब्लैक गॉड बॉक्स ने इसको निकाला है। क्यों कमला, नहीं मैंने सही कहा ना? उन्हीं ने निकाला है मुझे। चलो गाइस यार, एटलीस्ट कमला तो बाहर आ चुकी है, बाकी ये लोग अंदर ही है भाई अभी। यार गाइस, अगर ये जाल टूट जाता ना तो इसको मैं इन लोग को भी निकाल लेता, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अभी बाद में निकाल लेंगे। गाइस पहले भाई और लोगों का सफाया करते हैं, अब तो भाई हम लोग की जीत पक्की है, समझ लो। ओ भाई साहब, एक बार देखो तो भाई क्या ही खतरनाक तरीके से सबको मारा है ब्लैक गॉड बॉक्स ने। भाई यार मान गए भाई, मान गए भाई कि है दम है भाई इसमें, भले ये छोटा सा है लेकिन भाई मान गए यार इसमें दम तो है यार। अकेले भाई देख रहे हो, चार चार लोगों को लुटा दिया है भाई, उठा के पटक दिया, गोल गोल घुमा दिया, और भाई इनका नंबर लगाया है। ये देखो गाइस, ये आइस गॉड भैया का नंबर लगाया। और भैया बहुत आए थे ना लड़ने, अब बोलो कुछ बोल पाओ तो। अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं आना था, मुझे लगा था कोई फुसड्डी होगा, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल आ गया है, हम लोगों से भी ज़्यादा पावरफुल आ गया है। यार क्या करूँ, कैसे भागूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बचा लो भैया, कोई तो बचा लो। अरे अब तुम लोग को कोई नहीं बचा सकता है, सब लोगों ने कमेंट करके मुझे बुलाया है, इसीलिए मैं सबकी बात मान के ये सबको खत्म करने आया हूँ। गाइस यार, ये सब कुछ तुम ही लोग की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम लोगों ने भाई कमेंट किया और यहाँ पे ब्लैक बॉक्स गॉड आ गया और यहाँ पे इन सबकी छुट्टी कर रहा है। भाई मजा आ गई गाइस, मजा आ गई। वो देखो भाई, आइस गॉड का भी खेल खत्म ही हो गया फाइनली। ये देखो भाई, आइस एविल गॉड का खेल खत्म हो गया भाई। एक बार ऊपर से देखते हैं क्या ही नजारा होगा भाई, मजा आ जाएगा। एक बार ऊपर से देखते हैं, इन लोग को मरते हुए देखने में मजा आ जाएगी। ओ भाई साहब, भाई यार कसम से भाई, इस ब्लैक बॉक्स गॉड ने इन सबकी हवा निकाल दी भाई, देख रहे हो, हवा निकाल दी। सब खड़े खड़े देख रहे हैं सिर्फ खाली, सबकी भाई फटी पड़ी है कि कब मेरा नंबर आ जाए, कब मैं मार खा जाऊं, इसलिए मुझे तो लग रहा है अभी ये लोग भाग ही जाएंगे। और ब्लैक गॉड जी, मैं तो कहता हूं अपनी पावर से जल्दी से रात कर दीजिए, उसके बाद हम लोग जल्दी से यहां पे पूरी दुनिया खत्म करते हैं, वरना अगर हम लोगों ने 12 बजने का वेट किया तब तो भाई हम सब लोग मारे जाएंगे। जल्दी से करिए, जल्दी से। हाँ इस गॉड जी, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपनी पावर से जल्दी से रात कर देता हूँ, रात के 12 बजा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पूरी दुनिया का खात्मा शुरू कर देता हूँ। अरे भैया तुम लोग 12 बजाओ, हम तो भाग रहे हैं यहाँ से, मैं भी भागूंगा भैया, मुझे भी नहीं रुकना, मुझे भी भागना है यहाँ से। अरे हमको भी लेते चलना भैया, यहाँ पे रहेंगे तो मारे जाएंगे भैया, मुझको भी लेते चलना यार, मुझको भी लेते चलना। तुम लोग की भलाई इसी में है कि यहाँ से निकल लो, नहीं निकलोगे तब तो मरे जाओगे। ओ भाई साहब, भाई बहुत बड़े बड़े फट्टू देखे, लेकिन भाई इन लोग जैसे फट्टू नहीं देखे भाई, डर के भाग गए भाई ये लोग। इन लोग की मौत देखे, ये लोग डर के भाग ही गए। यार ये लोग गोल गोल घूम रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। यार ब्लैक बॉक्स गॉड जी, इन सब की जो लाश है ना, इन सबको ठिकाने लगा दो, कहीं गायब कर दो यार, ये लोग फालतू इधर उधर घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं इनका। ठीक है जैसा तुम कहो, मैं इन सबकी लाश को खत्म कर देता हूँ, पूरा गायब कर देता हूँ। तो फाइनली गाइज यहाँ पे देखो सब कुछ खत्म हो चुका है, और भाई यहाँ पे ये लोग भी यहाँ पे आ गए। क्या हुआ भाई, बड़ा आए थे ना दुनिया खत्म करने, अपने पापा मम्मी के साथ देने, अब बोलो बड़ी दुनिया खत्म कर लिए, हो गया तुम लोग का? प्लान भी शुरू किया जाए। ठीक है, प्लान भी शुरू करते हैं। अब हम लोग को पहले ही पता था हमारा प्लान ए हो सकता है फेल हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने प्लान बी भी तैयार करके रखा था। जल्दी से ब्लैक गॉड, 12 बजाओ रात के, जल्दी से बजाओ, हम लोग के पास टाइम बिल्कुल कम है। हा? जल्दी से 12, ये क्या भाई तुम लोग बेईमानी करो, ये तो बेईमानी भाई। अभी 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 कितना बज रहा है, रुको देखता हूँ। अभी देखो अभी 1 बज रहा है भाई, अभी
एक बज रहा है, तो एक बजे भाई ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे नहीं होता भाई। मैं खेलूंगा नहीं, मैं नहीं खेलूंगा यार। तुम लोग यार बेईमानी कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है यार। जल्दी से 12 बजा दोगे चीटिंग करके, उसके बाद दुनिया खत्म कर दोगे, तो ऐसे नहीं होता है। ए फ्रैंकलिन वाह, हम लोग यहाँ पे गेम नहीं खेल रहे हैं कोई। तू नहीं खेलेगा तो हम लोग दुनिया नहीं खत्म करेंगे। हम लोग को मतलब है सिर्फ दुनिया खत्म करने से, और वो हम लोग चाहे जैसे करे। अब मैं जल्दी से रात करता हूँ, 12 बजाता हूँ और इस दुनिया का अंत करता हूँ। ये क्या भाई, अचानक से पूरी रात हो गई। ओ शिट यार, ओ नो गाइस, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली भाई। ओ भाई, सब लोग चैन की नींद सो रहे होंगे। अब तो भाई ये लोग पूरी दुनिया ख़त्म करने वाले हैं यार। यार चिंकी पुक्की, तुम लोग भाई, तुम लोग भी मारे जाओगे यार। प्लीज़ यार, प्लीज़ बोलो दुनिया ना ख़त्म करे। अरे तुमसे किसने बोल दिया कि हम लोग भी मारे जाएंगे? हम और चिंकी बचेंगे बस, खाली पूरी दुनिया ख़त्म ख़त्म ख़त्म। क्या कहा, तुम और चिंकी बचोगे खाली? ओ माई गॉड गाइज, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे लगता है गाइज इन लोगों के पास पावर होगी गाइज, तभी ये लोग बचेंगे। वरना भाई ऐसे तो कोई बच भी नहीं सकता। रुक जा बेटा, अभी बता। ये ले। हाँ भाई, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ओ भाई, ओ माई गॉड गाइज, भाई पक्का इन लोगों ने कोई ना कोई पावर ली है। ये ले। ओ शिट यार गाइज, देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे मैं गोली पे गोली मारे जा रहा हूँ इन लोग को, कोई असर नहीं, कुछ भी नहीं। भाई साहब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओ भाई यार, ये तो बेईमानी है यार, ये गड़बड़ है यार। कुछ ना कुछ इन लोगों ने पावर दी है इन लोग को, तभी ये लोग बचे हैं। अरे ब्लैक गॉड जी, जल्दी से दुनिया खत्म करिए, 12 बज चुका है, जल्दी से जल्दी से। ओ नो गाइस, यार ये क्या भाई, बारिश होने लगी। ओ भाई मीटियोर गिरने लगे। ओ माई गॉड गाइस, ओ शिट, गड़बड़ होना शुरू हो चुकी है। मीटियोर गिरना शुरू, इतने बड़े बड़े पत्थर। भाई साहब, भाई यार, ब्लैक गॉड, ब्लैक गॉस, भाई ब्लैक बॉक्स गॉड, कुछ ना कुछ तो करो भाई, कुछ ना कुछ तो करो भाई। यहाँ पे देख रहे हो मीटियोर गिरना शुरू हो गए। ओ माई गॉड, भाई यार इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। ओ शिट यार, तुम लोग बच के रहना भाई पत्थर से यार। अगर मैं चाहूँ तो भाई तुम लोग को निकाल सकता हूँ, लेकिन निकालूँ कैसे भाई? यहाँ पे ये खुल नहीं रहा है लॉक भी। यार क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइज। यार ये क्या यार गाइज, एक बार देखो तो सही, एक लाइट आ रही है, जा रही है भाई। ओ माई गॉड गाइज, आ रही है लाइट, जा रही है भाई। यार कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला गाइज। यार ये लोग भी गुस्सा आ गए मुझे लग रहा है। ये देखो गाइज, ओ माय गॉड, अब अंत होने का वक्त आ गया है, इस पूरी दुनिया का अंत होगा। अब देखो कैसे इस दुनिया का अंत करता हूँ मैं। सब लोग अपने दिल थाम के बैठो, पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। ओ भाई ये देखो गाइज, ओ शिट यार, ओ नो, ओ नो 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 भाई यार, यहाँ पे लावा गॉड के ऊपर पत्थर गिरा, मर गया वो लावा गॉड ने, मतलब रेड हल के ऊपर। भाई यहाँ पे सारे के सारे लोग निकल के मर चुके हैं। ओ माय गॉड गाइस, इसने पूरी दुनिया ख़त्म कर दी भाई। टकलू भी मर चुका है, शिनचैन भी मर चुका है, और यहाँ पे कमला भी मरी पड़ी है भाई। ओ माय गॉड गाइस, सब के सब मर गए, लेकिन ये लोग भाई देख रहे हो अभी तक यहाँ पे जिंदा खड़े हैं। शिट यार, नहीं यार गाइस, ये बहुत बुरा हुआ यार, क्या बताऊँ मैं यहाँ पे। शिट यार, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। ब्लैक बॉक्स गॉड जी, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, प्लीज़ मुझे कुछ दीजिए, कुछ पावर दीजिए। अरे मेरे पास जितनी भी पावर थी मैंने सब उन सबको मारने में लगा दी, अभी मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची है, मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी पावर बची है। छोटी सी पावर, कौन सी पावर? वो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, मैं तुम्हें वो पावर दे देता हूँ। ठीक है, जल्दी से दीजिए मुझे पावर। ओ भाई, कोई ना कोई पावर तो मुझे मिल गई है, पता नहीं कौन सी पावर मिली है भाई, पता नहीं कौन सी पावर मिली मुझे। ओ भाई साहब, कुछ ना कुछ तो पावर मिली है मुझे गाइस। यार कौन सी पावर भाई, यार कौन सी पावर है यार? ओ माय गॉड यार, यार अब बस इसी पावर से मैं इन सबको मार सकता हूँ। अब आ जाओ बेटे, अब आ जाओ तुम लोग, तुम लोग का खेल ख़त्म करने आ रहा हूँ मैं। ये सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, सब कुछ। ये ले ब्लैक गॉड के बच्चे, ये ले तुम सबका खेल ख़त्म। ये लो बेटा, ये लो सबकी आँख, मैं पूरी आँख फोड़ दूंगा तुम सबकी। ये लो बेटा लावा गॉड, मैंने तुमने इतना समझा था, इतना अच्छा समझा था, लेकिन तुम यार तुमने मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। ये लो अब सबका खेल ख़त्म। तुम लोगों ने बहुत अत्याचार कर लिया, पूरी दुनिया ख़त्म करने आए थे ना, मैं तुम्हें ही ख़त्म कर दूंगा। देखते हैं तुम कैसे पूरी दुनिया ख़त्म कर पाते हो, करो ख़त्म दुनिया पूरी। हाँ इन लोगों को तो कुछ हुआ ही नहीं भाई,
एक सेकंड भाई, मुझे लगा था ये लोग मर रहे हैं, लेकिन भाई इन लोगों को तो कुछ हुआ ही नहीं। ओ माय गॉड, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे ब्लैक बोर्ड बॉक्स भैया, क्या पावर दिए भैया, इन लोगों को कुछ हुआ ही नहीं यार। अरे ये पावर ऐसी थी कि ये लोग शांत हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे और कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। ये लोग एकदम स्टैचू बन गए हैं। अब तुम इन लोग के ऊपर जैसे ही पावर मारोगे, ये लोग तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। क्या कहा, ऐसा है क्या? एक सेकंड भाई, इन लोग से पूछ के देखता हूँ कुछ। अगर इन लोगों ने बोला तब तो समझ लो ये पावर काम नहीं करी। और आइस गॉड, क्या हाल चाल है? अरे बोलो भाई बोलो। गुंगे हो गए क्या, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो बोलो बोलो। गाइस यार ये काम कर रही है, मतलब स्टैचू बन गए सब लोग। और भाई लावा गॉड, लावा खत्म हो गया क्या तुम्हारा? बोलो बोलो बोलो। भाई साहब ये लोग कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहे हैं। और पिंकी गॉड बहुत बोलती थी ना, और बताओ क्या हाल चाल है, बाल बच्चे कैसे हैं, कुछ बोलो बोलो बोलो। गाइस यार कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये पावर काम कर रही है। अब बस हमें करना ये है एक बार और पावर मारने, जिससे ये सारे के सारे गॉड गिर जाएंगे। चलो गाइस अब वक्त आ चुका है वो पावर इस्तेमाल करने का। ऑल राइट गाइस, चलो भाई देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई क्या हुआ, गिरे क्या ये लोग, गिरे क्या ये लोग? ओ भाई पता नहीं क्या हो रहा है इन लोगों के साथ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। भाई साहब सबको मैं लगातार मारते जा रहा हूँ। भाई ये देखो लावा गॉड गिरा, लावा गॉड गिर गया भाई। ओ भाई गिर गया लावा गॉड, मुझे तो लगा था नहीं गिरेगा भाई, लेकिन लावा गॉड गिर चुका है। और यहाँ पे ये पिंकी गॉड खड़ी है अभी। ये ले पिंकी गॉड तू भी गिर। ओह भाई कहाँ गए, कहाँ? ओह भाई साहब ये देखो गाइस, यहाँ पे इन सब का चटनी बन चुका है। और भाई यहाँ पे ये लोग ख़त्म ख़त्म, टाटा बाय बाय। ये लो बेटा ये लो। भाई यार आज हमें ब्लैक बॉक्स गॉड ने बचा लिया, और भाई आधी दुनिया तो ख़त्म हो ही रही थी बट बच गई भाई। ऑल राइट भाई सब कुछ सही हो गया भाई, यार सब कुछ सही हो गया भाई। सिर्फ मैंने अपने दोस्तों को खो दिया, बट कोई बात नहीं गाइस, बाकी पूरी दुनिया तो बच गई ना। ये देखो सारे लोग आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं। वाह यार क्या ही मस्त सीन है यार, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पे लावा गॉड का खात्मा हो गया भाई, ये देखो। अरे यार कितनी खुशी हो रही है, तुम सोच भी नहीं सकते भाई दुनिया बचा के। वाह यार थैंक यू सो मच ब्लैक बॉक्स गॉड जी, तुम ना होते तो भाई आज हम लोग का खेल ख़त्म हो जाता। चलो गाइज निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। ऑल राइट भाई जल्दी सुबह हो जाए बस खाली। तो गाइज यहाँ पे ब्लैक बॉक्स गॉड ने सुबह भी करवा दिया, ये देखो भाई। यार सच में यार ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है यार, सिर्फ ये देखने में हल्का लगता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। लेकिन सारे के सारे लोग मर गए, ये लोग अभी तक जिंदा हैं। मुझे इन लोग को मारना है भाई, इन लोगों ने मेरे दोस्तों को छीन लिया, मेरे भाई शिनचैन को छीन लिया, रढ़ल को छीन लिया, कमला को छीन लिया, टकलू को छीन लिया, लेकिन ये लोग नहीं मरे, तुम लोग नहीं मरे। ये लो बेटा अब तुम लोग भी मरो, ले बेटे ले अब तू भी मर, ख़त्म। ये देखो गाइस ब्लैक गॉड बॉक्स की पावर के आगे ये लोग भी नहीं टिके और ख़त्म हो गए। ये होती है पावर, ये होती है पावर। चलो गाइस फाइनली भाई साहब मैंने सबका खेल ख़त्म कर दिया, और सबसे बड़ा थैंक्स टू ब्लैक गॉड बॉक्स का। भाई साहब वीडियो कैसी लगी आज की? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय।